दोस्तों, आखिर शालिनी ने सुंबुल को ऐसा क्यों कहा कि सुंबुल अपनी औकात देखकर मुझसे बात करो? आखिर शालिनी ने सुंबुल को ऐसा क्यों कह दिया कि जब तुम पैदा नहीं हुई थी तब से मैं इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ? आखिर शालिनी ने सुंबुल को इतनी फटकार क्यों लगा दी कि सुंबुल स्टोरेज एरिया में फूट फूट कर रोने लग पड़ी? आखिर क्या है पूरी खबर, चलिए आपको बताते हैं इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि बिग बॉस से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि बिग बॉस के घर में नॉमिनेशन को लेकर एक टास्क चल रहा था और इस टास्क में शालिनी ने सुंबुल का बिल्कुल भी साथ नहीं दिया, बल्कि सुंबुल के सामने शालिनी ने टीना का पूरा पूरा साथ दिया और सुंबुल को शालिनी ने पूरी तरह से इग्नोर कर दिया, जिसे देखकर सुंबुल को काफी ज्यादा दुख भी लग रहा था। जिसके बाद सुंबुल शालिनी से नाराज होकर घर के स्टोरेज रूम में जाकर फूट फूट कर रोने लग पड़ती है और यहाँ पर अचानक शालिनी आ जाते हैं और शालिनी सुंबुल को समझाने लगते हैं, लेकिन सुंबुल शालिनी पर गुस्सा होकर कहती है कि इस घर में मैं सबसे पहले तुम्हारी दोस्त थी, लेकिन तुमने टीना का साथ दिया और मेरा साथ नहीं दिया। जिसके बाद शालिनी सुंबुल को कहते हैं कि इस घर में मैं किसी का भी दोस्त नहीं हूं और ना ही मेरा कोई अच्छा दोस्त है। और शालिनी सुंबुल को यह भी कहते हैं कि मैंने तुम्हें घर से बेघर होने के लिए इसलिए नॉमिनेट कर दिया क्योंकि तुमने मुझसे खुद कहा था कि मैं अब इस घर में नहीं रहना चाहती हूं, मैं अपने पापा के पास जाना चाहती हूं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। वेल दोस्तों, आपको क्या लगता है कि शालिनी ने सुंबुल को नॉमिनेट करके अच्छा किया या फिर गलत? आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और बिग बॉस से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।